이게 뭐는 아, 이렇게 하자. 이렇게 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 하자. 아이야, 사는 대로. 아니, 앉아. Надень! Армаз! Армаз! Лили на атме! Боюсь, я атме дома! Лили на атме, лили на атме! यहाँ पे आप मेरी जगह पे आओ मेरी जगह आरसीसी कंग्रेचुलेशंस आप इस टीम पे बन के आई हैं क्या कहना चाहेंगे आप मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड अब मैं उतनी ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि ये मैं जीत गई हूँ तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत प्राउड एंड हैप्पी हूँ कि मैंने अपनी कंट्री को इतनी अच्छे से रिप्रेजेंट किया कि उन्होंने मुझे विनर डिजर्विंग समझा And this is the first ever time that India has won Miss World Teen. I'm the first one to ever hold this crown. And with this, I've become the youngest Indian to ever hold a crown. So many big things happening. And I'm very excited to see what's coming next and represent my country further and ever. After Namkaran, you are selecting for this big award for India. And this is a very proud moment for India. What the experience? How the journey for from Namkaran and then? So Namkaran was a very enlightening journey because मैं acting करती आ रही हूँ from when I was 3 years old. But उसमें मैंने acting के अलावा बहुत सारी चीजें सीखी. In pageant एक नया route था मेरी life में एक नया layer था. And pageant जीतने के बाद मेरी बात हुई you know the panel of judges and everyone से. एंड उससे मुझे पता चला कि पैजेंट में सिर्फ राउंड्स नहीं देखे गए आपने कैसा परफॉर्म किया वो नहीं देखा गया है मतलब उसके साथ साथ ये
प्रेजेंट करते हो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एल्स इंटरेक्शन विद यू नो को कंटेस्टेंट्स एंड एवरीथिंग एंड दे फाउंड मी वर्दी इन एवरी यू नो बॉक्स थिंकिंग दैट यू नो आई एम वर्थ विनिंग दिस क्राउन एंड विनिंग दिस टाइटल एंड इट एडेड अ कंप्लीटली न्यू लेयर यू नो विजन वाइज क्योंकि मैं इतने सारे कंट्री के लोगों से मिली उनका कल्चर मैंने और यू नो करीबी से जाना सो हाँ आई वुड से दैट आई एम वाइजर एंड बेटर देन व्हाट आई वाज एंड व्हिच मेक्स दिस इवन बेटर सो आई एम वेरी वेरी प्राउड दैट आई हैव दिस एंड आई विल मेक अ गुड यूज ऑफ दिस. आशिम, हु इज योर इंस्पिरेशन? माय इंस्पिरेशन हैज टू फर्स्ट इंस्पिरेशन एवर वाज माय पेरेंट्स. Like seeing my mom, how she carries herself, how she dresses herself. You know, say I thought ki acha, you have to dress like this, you have to carry yourself. The importance of how you present yourself. From my dad, I learned the importance of good vocabulary, the importance of wiseness, and a very good habit of my dad that I actually got hold of unknowingly was that wo jahan bhi jaate hain, jo bhi karte hain, wo hamesha thank you bolte hain. मतलब अगर वो किसी शॉप में गए, उन्होंने कुछ लिया, बाय किया, तो वो पर्सन को बोलेंगे थैंक यू सो मच एंड ऐसे. सो वो सारे एथिक्स, सारे वैल्यूज मैंने डैड से सीखे. सो आई रियली से दैट थैंक यू ऑल. थैंक यू. कंटिन्यू फ्रॉम सर, बीइंग प्राउड पेरेंट्स, व्हाट डू यू से? जब से जीत के आई है तो ऑफ कोर्स वी आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ इट एंड होपफुली यहाँ से इसको आगे इंशाल्लाह इंशाला टॉपिक दे बहुत आगे बढ़ा. ये तो आगे वो जब अभी वो SSC में वो ICSE के 10th के बोर्ड में है राइट और 27 से उसके एग्ज़ाम शुरू हो रही है तो ये जब पेजेंट की बात आई तो मुझे ऐसा था कि पढ़ाई के बीच में कहाँ बोर्ड्स के बीच में कहाँ ये कर रही हो. मैंने बोला यू आर नॉट रेडी फॉर इट. तो बच्ची ने कहा मम्मी मैं 2 साल से पेजेंट स्टडी कर रही हूँ एंड आई एम वेरी मच रेडी फॉर इट. तो ये हमें पता ही नहीं था कि बच्ची ये तैयारी कर रही है और इतना वो आगे निकल चुकी है इसमें. जब ये क्राउन मिला हम सिंकिंग होने में टाइम लगा है कि हमारी बच्ची को इतना बड़ा ओहदा मिला है, इतना बड़ा ये मिला है. इसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है डेफिनेटली. अभी बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद शी हैज़ प्लान्स, बहुत सारी लाइनअप चीज़ें हैं, उसके लिए भी आपको इत्तला की जाएगी. वो जो जो करना चाहती है अभी मैं बोल नहीं रही हूँ, जैसे करेगी जब करेगी तो प्लीज़ आप लोग आइएगा, वो भी कवर कीजिएगा. और इतना दूर की सोचती है तो ये सबके लिए एक सबक है. आपको सब करते होंगे कि आपका ड्रीम होता है वो पूरा होता ही है. उसके मोबाइल पे जो स्क्रीन होता है उसके ऊपर उसने 2 साल से एक क्राउन लगा के, किसी का बॉडी किसी का था, अपने फेस पे क्राउन लगा के, जैसे वो पेजेंट जीत के आई है, मिस वर्ल्ड जीत के आई है, उस तरह का पिक्चर लगा के रखा है 2 साल से. आज उसका वो सपना पूरा हो. तो हम जो बोलते हैं कि कायनात से आप मांगोगे तो मिलता ही है, वो 2 साल से वो मांग रही थी जो उसे मिला है. अरसीन, आप इंडिया में आए हो अभी, ये इतना बड़ा खिताब जीत करके क्या कहना चाहोगे देश को? मैं देश को ये कहना चाहूँगी कि ये जो अभी इन्होंने बोला स्क्रीन सेवर के बारे में एंड जो मैं रिसर्च कर रही थी, लर्न कर रही थी, पहली बात लर्न करना कभी मत छोड़ना क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं जाके काम आता ही है. और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है कोई कितना भी आपको बोले कि ये आपसे नहीं होगा, आप इसके लिए नहीं बने हो, अरे आप कैसे करोगे? इस चीज़ से आपको अफेक्ट नहीं होना है, काम करते रहना है. भले 1 साल लगे, 50 साल लगे, 5 साल लगे, आप वहाँ पे पहुँचोगे अगर आप खुद पे विश्वास करोगे कि हाँ ये मैंने सपना देखने की हिम्मत रखी है, इसको पूरा करने के लिए उतना हार्डवर्क, उतना डेडिकेशन आप में होना चाहिए. रोज़ उठो, अपने आप से पूछो कि ये सपना मेरा पूरा करने के लिए मैंने इसकी तरफ कितना टाइम डाइवर्ट किया, इसकी तरफ कितनी एफर्ट डायरेक्ट की, ये अपने आप से पूछो. और अगर आपका जवाब आता है हाँ मैं अपनी कैपेसिटी से ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैंने बहुत हिम्मत करके इसकी तरफ बहुत हार्डवर्क किया है, तो आप सक्सेसफुल जरूर हो. थैंक यू. थैंक यू. ये पूरा स्पॉन्सर किया है, हमारे नेशनल डायरेक्टर हैं ये. तो प्लीज ओवर टू यू सर. क्या कहना चाहेंगे अरसीन के इस बड़े से खिताब जीतने? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, ये इतने बड़े फायदे
की उम्र में कामयाबी लाऊंगा और ऐसे ऐसे लेके आई है, ऐसे ही और भी आ रहे हैं इंडिया के लिए और मे गॉड ब्लेस देम। थैंक यू सो मच टू जो 5 दिन आते रही है इंटरनेशनल डायरेक्टर एंड बच्चे जो पहली बार इतना अपने पापा को छोड़ के रही है। आई रियली विश शी हैव अ गुड फ्यूचर। सर आप क्या कहेंगे? इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दूसरी कंट्री पे जाना, स्पेशली बच्चों को खाना वहाँ का एडजस्ट नहीं होना एंड देर जस्ट विद MTR प्ले एंड स्टफ। बट उसके साथ भी बिकॉज वियतनाम एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इंडियन खाना इज वेरी रेयर, आपको मिलता नहीं है। उसके बाद में उसकी मेहनत दिन रात, शी वॉज नॉट स्लीपिंग, उसने आराम से सोया पूरा एक दिन क्राउन जीतने के बाद। उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसका डांस, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। एंड इस एज में अगर उसने इतना बड़ा किताब पाया है होपफुली वेल, इट्स अ प्रॉपर एज, शी विल रूल द कंट्री, नो डाउट। थैंक यू सर।